हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आईपीसी इंडक्शन फिजिक्स क्लासेस बाय इमरान खान। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 3, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में कवर अप किए थे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, और ये पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रेडिएशन वाले पार्ट जो हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक जो थे वो क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल्स थे रिलेटेड टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज थे। अब क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं दीस आर रिलेटेड टू द रेडिएशन पार्ट। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, इट इज गिवन कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। तो हमें क्या बोला है कि एनर्जी फाइंड आउट करना है और टाइम दिया है अपने को, कितना दिया है, 1 मिनट दिया है, राइट। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाई अ ब्लैक बॉडी, और बॉडी कौन सी है, ब्लैक बॉडी, क्योंकि जब भी आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि वो किसकी बात कर रहा है, ब्लैक बॉडी की बात कर रहा है कि एक नॉर्मल बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ब्लैक बॉडी दिया हुआ है और उसका सरफेस एरिया भी दिया है, कितना सरफेस एरिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया दिया है अपने को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हेन इट इज़ मेंटेन एट 227 डिग्री सेल्सियस, और हमें टेम्परेचर भी दिया है, कितना टेम्परेचर है, 227 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है। ओके, तो अब देखो हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिनट में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये डिग्री सेल्सियस में है। तो सबसे पहले मिनट से सेकंड में करेंगे तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। फिर उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसको 10^-4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना मिलेगा हमें, 1×10^-2 मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद जो हमारा टेम्परेचर है वो 227 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 500 केल्विन। ओके, कन्वर्जन कर लिया, हमें फाइंड क्या करना है, एनर्जी रेडिएटेड। अब एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, R=σT^4। क्या है, R=σT^4। यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू गिवन नहीं है तो, बट आपको याद होना चाहिए, इसीलिए सिग्मा का वैल्यू आप लिख लो, क्या है, 5.7×10^-8। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सही है क्या, यस राइट, ये सिग्मा की वैल्यू है। सो अब R का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर R का मतलब है Q/AT=σT^4। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q=AT σT^4। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट अप करते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, Q=A की वैल्यू कितनी है, इट इज़ गिवन 10^-2 इंटू टी कितना दिया है, 60, इंटू सिग्मा की वैल्यू है 5.7×10^-8, और टेम्परेचर हमें यहाँ पर कितना दिया है, 500^4। ओके, सो इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 60×5.7×10^-10, और ये क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ 5×4, और इसको हम लिख सकते हैं 10^2^4। क्या किया मैंने, 5 को अलग कर दिया, उसके पावर 4 हो गया, और 10^2 होता है यहाँ पर उसका पावर 4। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 60×5.7×5×5×5×5, और ये 10^-10 है तो 10^-10, और ये कितना हो जाएगा, 10^8। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 60×5.7×5×5×25×125×625×10^ यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2। तो अब आपको करना क्या है कि इसको कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज़ 2126.25 जूल। ओके, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको 10^-2 से मल्टीप्लाई कर लेना, यानी 2 डिजिट शिफ्ट कर लेना, तो आपको फाइनली आंसर कितना मिल जाएगा, दैट एनर्जी रेडिएटेड इज इक्वल टू 2126.25 जूल। यस, तो यही आंसर आपके बुक में भी गिवन है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है कि एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट द रेट ऑफ 20 वॉट। यानी कि हमें क्या दिया है यहाँ पर, पावर दिया है, कितना पावर दिया है, 20 वॉट दिया है ना, क्योंकि वॉट किसका यूनिट होता है, पावर का। और बोला क्या है कि एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस, यानी इलेक्ट्रिक फर्नेस है और उसके होल से एनर्जी निकल रही है बाहर, कितने की रेट से निकल रही है, 20 वॉट के रेट से बाहर निकल रही है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज 727 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ फर्नेस कितना दिया है, 727 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं इसको केल्विन में लिखूं तो कितना हो जाएगा, 1000 केल्विन। ओके,
और क्या बोला है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल, तो जिस होल से वो एनर्जी निकल रही है हमें उसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। और हमें गिवन में क्या है कि टेक स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू बोला है, ले लो 5.7 × 10⁻¹⁸, और इसका जो यूनिट होता है दैट इज जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन रेस टू 4, राइट। तो ये हमारे पास गिवन वैल्यूज है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर सबसे पहली बात तो ये पावर दिया है 20 वॉट, तो हमारे पास पावर से रिलेटेड तो कोई फॉर्मूला नहीं है, जो सो एक फार्मूला है दैट इज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, है ना। वर्क का मतलब यहाँ पर क्या है, एनर्जी, तो क्या मैं इसको क्यू बाई टी लिख सकता हूँ, यस। तो अल्टीमेटली हमें ये किसकी वैल्यू दी है, क्यू बाई टी की वैल्यू दिया है 20 वॉट, ठीक है। सो देयरफॉर एनर्जी रेडिएटेड आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा टी रेस टू 4, है ना, जबकि आर का मतलब क्या है यहाँ पर, क्यू बाई ए टी इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू 4। अब देखो हमारे पास सिग्मा की भी वैल्यू है, टी की भी वैल्यू है, और क्यू बाई टी की ऑलरेडी वैल्यू दिया है, और ए हमें कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू बाई टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेस टू 4। सो क्यू बाई ए की वैल्यू कितना दिया है, 20 इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेस टू 4। सो देयरफॉर यहाँ से ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाई सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितना दिया है, 5.7 × 10⁻¹⁸ इंटू टी रेस टू 4। तो टेम्परेचर कितना दिया है, 1000, तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, 1000 का मतलब 10³⁴, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/5.7, और देखो ये पावर को हम क्या करेंगे, 10⁻¹ है, और ये कितना हो जाएगा, 10⁻½। सो देयरफॉर एरिया कितना मिल जाएगा, 20/5.7, और ये 10⁻¹ है, ये 12 है, तो नीचे क्या बचेगा, 10⁴, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻⁴। सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 200/57 × 10⁻⁴। अब आपको करना क्या है कि सिंपली इसे बाई डिवाइड कर लेना है, तो आप चाहे तो लॉग एंटी लॉग यूज़ कर ले, या तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर ले। अगर मैं इसको देखूँ तो समथिंग अराउंड 3 times जाता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इसे अगर आप लॉग एंटी लॉग से डिवाइड करेंगे तो आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर मिल रहा है दैट इज 3.5 × 10⁻⁴, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया आंसर। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 में क्या गिवन है, क्या दिया है कि द इमिसिव पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया 0.02 m². तो हमें क्या दिया है, एरिया दिया है, कितना दिया है, 0.02 m² इज 0.5 kcal। तो ये जो हमें यहाँ पर दिया है 0.5 kcal, ये बेसिकली क्या दिया है, इमिसिव पावर। तो इमिसिव पावर यानी कि आर का वैल्यू दिया है 0.5, और क्या दिया है, किलो कैलोरी पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो ये हमें यहाँ पर R की वैल्यू दिया है, इमिसिव पावर। और क्या बोला है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड यानी कि हमसे क्यों पूछ रहा है वो, राइट। और जबकि क्या बोला है यहाँ पर, टाइम दिया है 20 सेकेंड, तो T की वैल्यू क्या है, 20 सेकेंड। तो वापस से क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोला है, द इमिसिव पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया 0.02 m², तो एरिया गिवन है, और इमिसिव पावर की वैल्यू क्या दिया है, 0.5 kcal/sec² ओके। और क्या बोला है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड यानी क्यू इन द टाइम 20 सेकेंड, तो टाइम भी दिया अपने को 20 सेकेंड। तो चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। सो देयरफॉर हम लोग को फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए टी, है ना, बेसिक फार्मूला है हमारे पास। हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्यू। सो देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए इंटू टी। आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0.5, एरिया कितना दिया है, 0.02, और टाइम कितना बोला है, 20 सेकेंड। तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, q इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आप डेसिमल्स को सारे हटा दो, तो मैं इसको लिखता हूँ 5 × 2 × 20 × कितने डिजिट शिफ्ट किए, 1, 2, 3, तो पावर कितना आएगा, 10⁻³। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 × 2 जा क्या होगा, 10 × 20 × 10⁻³। सो देयरफॉर q इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 200 × 10⁻³, 10⁻³ मतलब 3 digits शिफ्ट हो जाएंगे। सो therefore फाइनली एनर्जी रेडिएटेड का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 0.2 kcal। तो ये हमें मिल गया आंसर, राइट।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. क्या गिवन है? कंपेयर द रेट ऑफ इमिशन ऑफ अ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी. तो हमें क्या कंपेयर करना है? रेट ऑफ इमिशन, यानी बेसिकली हमें R1 बाई R2 कंपेयर करना है, या इसी को आप बोल सकते हो dQ/dt1/dQ/dt2. इसको हमें क्या करना है? कंपेयर करना है. ओके और आगे क्या बोला है यहाँ पर? दो टेम्परेचर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, 727 डिग्री सेल्सियस एंड 227 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर T1 दिया है, सपोज करो हमें 727 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 1000 केल्विन, और टेम्परेचर T2 दिया है 7 इट इज गिवन 227. तो 227 डिग्री सेल्सियस विच विल बी इक्वल टू 500 केल्विन, राइट. तो ये हमें यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है, और साथ साथ में सराउंडिंग टेम्परेचर भी दिया है. कितना है सराउंडिंग टेम्परेचर? इसको टी नॉट ले लेते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 300 केल्विन. और यहाँ पर जिस बॉडी की वो बात कर रहा है वो कौन सी बॉडी बोला है? ब्लैक बॉडी. तो ब्लैक बॉडी के लिए हम लोग ब्लैक बॉडी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट. वॉट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ लॉज ऑफ हीट. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ लॉज ऑफ हीट. dQ/dt1/dQ/dt2 इज नथिंग बट कॉल द रेट ऑफ लॉज ऑफ हीट, जो हमें यहाँ पर क्या करना है? कैलकुलेट करना है. तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है रिलेटेड टू ब्लैक बॉडी, दैट R इज इक्वल टू सिग्मा T1^4 - T0^4. अब ये जो यहाँ पर R है, R का मतलब क्या है? तो हम लोग लिख लेते हैं, R का बेसिकली जो मतलब होता है दैट इज dQ/dt A. ओके तो ये यहाँ पर दो इक्वेशन बन जाएंगे, तो एक इक्वेशन ये हो जाएगा आपका. तो मैं A को अगर उधर लिख दूँ तो कुछ इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, σA T1^4 - T0^4/dQ/dt2 = ये क्या हो जाएगा? σA T2^4 - T0^4. ओके अब यहाँ से देखो तो सिग्मा से सिग्मा कैंसल, ए से ए कैंसल. सो देयरफॉर R1/R2, ठीक है, इसको R1/R2 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1^4 मतलब 1000^4 - 300 है ना, ये कितना दिया सराउंडिंग टेम्परेचर? 300. तो ये हो जाएगा 300^4/500^4 - 300^4. तो इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर लिख लिया. अब हम देखो अगला स्टेप में क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 10^4 × 10^2 समझा मैंने क्या किया? यानी ये जो मेरी वैल्यू थी इसको मैंने क्या किया, 10 × 10^2 के फॉर्म में लिख लिया, और दोनों में पावर 4 लगा दिया. इसको यहाँ मैं लिखता हूँ 3^4 × 10^2 अपॉन, इसको क्या लिखता हूँ मैं, 5^4 × 10^2 माइनस, इसको लिखेंगे 3^4 × 10^2 इसको आप चाहिए तो अगर आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मेथड आपको आता हो. ये मुझे सिंपल लग रहा है तो मैं इसी से सॉल्व कर दिया. अब ये कितना हो जाएगा, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 10,000 माइनस, अब देखो ये क्या है, 3^4 का मतलब 81, और ये जो पावर है 10^4 = 8, यहाँ पे भी 10^4 = 8, तो पावर 10^8 बाहर कॉमन निकल आएगा अपॉन. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 5^4, तो 5^4 कितना होता है बेसिकली, 5 × 25 ये हो जाएगा आपका 625 - 81, और यहाँ पर भी पावर क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा 10^8, तो ये पावर क्या हो जाएगा, कैंसल. तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. अब आपको करना क्या है कि अब आपको 1000 - 81 करना है, 625 - 81 करना है. तो जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद आपकी कुछ वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व कर लेना है. तो मैं यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देता हूँ, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा. जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, इट इज़ गिवन 18.23 अपॉन 1. ओके सिंपली आपको करना क्या है, पहले इसको इससे माइनस कर देना है, इसको इससे माइनस करना है, इसका जो भी आंसर आएगा बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग वो कुछ इतना आंसर आएगा. सो देयरफॉर फाइनली यू कैन राइट R1/R2 इज इक्वल टू 18.23:1. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, अर्थ मीन टेम्परेचर कैन बी अज्यूम टू बी 280 केल्विन. यानी अर्थ का मीन टेम्परेचर दिया है, कितना दिया है, 280 केल्विन दिया है.
हाउ विल द कर्व ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर, और हमसे क्या बोल रहा है कि इस टेम्परेचर पर जो हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ मिलेगा, कर्व मिलेगा, वो कैसा दिखाई देगा। तो अगर आप उसको देखोगे स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो वहाँ पर अराउंड 500 केल्विन तक ग्राफ में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है, और ये जो टेम्परेचर है वो क्या लेस देन 500 है, 280 है, तो वहाँ पर कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। फिर हमें यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड आउट लैम्डा मैक्स, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, ओके। और साथ साथ में हमें ये बताना है इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई, यानी जो आंसर आएगा उस आंसर को देख के हमें ये बताना है कि ये आंसर या ये वैल्यू किस पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में लाई करेगी। तो सबसे पहले हमें लैम्डा मैक्स फाइंड करना है, तो देखो लैम्डा मैक्स का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा मैक्स टी इज इक्वल टू बी, बी का मतलब यहाँ पर क्या है, विंस कांस्टेंट, और विंस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वैसे ये न्यूमेरिकल में दी नहीं है, बट दिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो दिया है वो मैं लिख देता हूँ। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, इट इज़ गिवन 2.897 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर केल्विन, ओके। सो देयरफॉर यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 2.897 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और टेम्परेचर कितना दिया है 280, राइट। अब इसे सिंपली आपको करना क्या है, बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग आपको कैलकुलेट कर लेना है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर जो आपको मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 1.035 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर, ओके। और ये दिख भी रहा है, अगर आप पॉइंट शिफ्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 1 times आएगा ये, राइट। सो इतना आंसर आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि ये किस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करता है, तो अगर आप वहाँ पर देखोगे तो अराउंड टेम्परेचर 300 केल्विन, और अगर आंसर आपका वेवलेंथ आता है 1 × 10⁻⁵ समथिंग, तो ये कितना है टेम्परेचर 280 केल्विन है, तो इसका भी आंसर लगभग उसी रेंज पे आ रहा है, तो इट लाइज इन द इंफ्रारेड रेडिएशन, या उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट लाइज इन द माइक्रोवेव रेंज, ओके। तो ये हो गया इसका आंसर। सो द लास्ट न्यूमेरिकलिस्ट न्यूमेरिकल नंबर 25 क्या दिया है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इफ इट स्पेक्ट्रम हैज अ पीक एट ए, दिया है लैम्डा मैक्स 700 नैनोमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है, और कुछ गिवन कंडीशन है। क्या गिवन कंडीशन है, कि अगर ए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी दिया है यहाँ पर 700 नैनोमीटर, ठीक है, और दूसरा बी की वैल्यू क्या दिया है, बी की वैल्यू दिया है यानी लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू कितना दिया है 3 centimeter, और उसके बाद सी की जो वैल्यू दिया है वहाँ पर वो कितना दिया है, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 3 meter, और साथ साथ में यहाँ पर उसका रेंज भी बताया है कि 700 नैनोमीटर लाइज इन द विजिबल रेंज, उसके बाद 3 centimeter लाइज इन द माइक्रोवेव रीजन, एंड 3 meter लाइज इन द FM रेडियो वेव्स। जबकि यहाँ पर विंस कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 2.897 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर केल्विन, ओके। तो इसे तो आसान है, इसको निकालना कैसे निकालना है, हम लोग को लैम्डा मैक्स टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। लैम्डा मैक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो पहले ए के लिए ले लेते हैं, लैम्डा मैक्स टी इज इक्वल टू बी, सो देयरफॉर यहां से टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी अपॉन लैम्डा मैक्स। तो बस आपको करना क्या है कि वैल्यूज़ को पुट अप करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2.897 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 700 नैनोमीटर। तो मैं इसको लिखूंगा 700 इंटू, नैनो का मतलब क्या है, 10⁻⁹, तो 10⁻⁹ आ गया, ओके। इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 2.897 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 10 की पावर माइनस 7, क्या किया 10⁻², और 10⁻⁹, तो क्या बचा 10⁻⁷। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, फिर इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो ना, 7 से कट करेंगे तो कितना होगा, 0.41, और उसके बाद यहाँ पर 2 7 में से कितनी बार जाएगा, 3 times जाएगा, ओके। और 10⁻⁷ ऊपर आएगा तो हो जाएगा +7, +7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 10⁻⁴। तो therefore टेम्परेचर कितना आएगा, समथिंग टेम्परेचर आपको मिलेगा 413, और बाद में आपको कोई वैल्यू मिल जाएगी 0, और ये हो जाएगा केल्विन। तो इतना अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, मैंने यहाँ पर 3 ही digit फाइंड किए हैं, आप 4 digit तक फाइंड करना तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना दिया, 4138, तो 38 केल्विन इतना आपको आंसर मिलेगा अगर आप 4 digit तक आंसर फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सिमिलर पैटर्न में आपको क्या निकाल लेना है, लैम्डा मैक्स निकाल लेना है ऑफ
3 सेंटीमीटर और लैम्डा मैक्स ऑफ 3 मीटर। जब आप 3 सेंटीमीटर लिखोगे तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपका, 3 × 10⁻², राइट। तो उस हिसाब से फिर आपको यहाँ पर टेम्परेचर मिल जाएगा। और जब आप ये वाला निकालोगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसके सारे आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो दिस आर द ओवरऑल न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं इस चैप्टर के। तो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने पूरे कवर अप कर लिए हैं, राइट। तो होप्स हो कि ये न्यूमेरिकल्स आपको हेल्प करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इसके लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, लॉग एंटी लॉग का यूज़ करना आपको आना चाहिए, साथ साथ में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको आएंगी तो आपके न्यूमेरिकल्स बड़े आसानी से हो जाएंगे। ओके, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।